अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा जानवर करते थे? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब कुर्बानी करना चाहते तो आप हुक्म देते कि जाओ दो दुम्बे या दो मेंढे, जिनको हम छतरे कहते हैं, वो लेकर आओ। कैसे होने चाहिए, उनकी खूबियां क्या हैं? अज़ीमैनी समीनैनी, मोटे ताजे हों, पले हुए हों। अक़रानैनी, सिंगों वाले हों। अमलहैनी, खूबसूरत भी बहुत हों। मौजूअैनी, खस्सी भी हों। तो खस्सी करने से उनका फायदा ये होता है कि उनका गोश्त बड़ा पकीदा लजीज हो जाता है और वो पलते बहुत है, मोटे ताजे हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुम्बे या दो मेंढे किए, लेकिन दो भी किस लिए किए? एक करते हुए दुआ ये पड़ी, अल्लाहुम्म तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आल मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद। अल्लाह, ये जो दुम्बा है, ये जो मेंढा मैं कर रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल कर ले। वो उम्मती जो कुर्बानी नहीं कर सके, सुभान अल्लाह, कितनी रहमत है, कितनी शफकत आपकी कि जो कुर्बानी नहीं कर सका और है तौहीद परस्त, अल्लाह को मानने वाला और आपकी रसालत का इकरार करने वाला मुहद उम्मती, फरमाया वो कुर्बानी नहीं कर सका, अल्लाह ही उसकी तरफ कबूल कर ले। तो दो कुर्बानियां, एक उम्मत की तरफ से और एक आप अपने घर वालों की तरफ से करते थे। तो दो कुर्बानियों से जायद आपने की नहीं है, लेकिन की कैसी हैं कि मोटा ताजा हो, खूबसूरत हो, सिंगों वाला हो, पला हुआ हो। और एक रवायत में आता है कि आपने वो जो दुम्बा मंगवाया उसकी आंखें भी स्याह थी, पेट भी स्याह रंग का था और पांव भी स्याह रंग के थे। अच्छा। और बाकी जिस्म जो है वो बाकी सफेद था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा खूबसूरत मोटा ताजा पला हुआ खसी जानवर करना चाहिए।